नमस्कार दोस्तों, मैं राखी शुक्ला आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो सेकंड चैप्टर में हमारा हार्मोनिक और है। तो वैसे हम हार्मोनिक एक क्वेश्चन में कर चुके हैं एनालिटिक वाले में, तो अब हम इसमें दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो इसलिए हम दो हार्मोनिक कंजुगेट्स निकालेंगे। तो इसमें क्या है, हमें हार्मोनिक भी निकालना पड़ता है और बाद में आगे सॉल्व करके हमें कंजुगेट्स भी निकालना पड़ता है। तो आइए इसको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन है हमारा यू बराबर कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। तो दोस्तों, पहले हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना होगा। तो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, कॉस हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। सेकंड बार निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल यू स्क्वायर अपन डेल एक्स, डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, ये हमारा वैसा ही रहेगा क्योंकि वाई है। अब हमें डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना होगा। तो वाई के सापेक्ष होगा तो ये हमारा साइन वाई वो साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हमारा माइनस नहीं होता, ठीक है, हाइपरबोलिक वाले में हमारा माइनस नहीं होता। ऐसे हम डेल यू अपॉन डेल वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो यह हो रह जाएगा हमारा कॉस एक्स, तो वैसा ही है। अब इसको साइन हाइपरबोलिक वाई का करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा, तो वही का वही आ जाएगा हमारा। तो अब हम जबकि हम देखते हैं हार्मोनिक के लिए डेल यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर हमारा जीरो होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हम इसको वैल्यू लगाएंगे दोनों की, तो माइनस के कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई अब इसकी है प्लस कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमारा हार्मोनिक हो जाता है। तो अब हमने एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया, तो इसी में अब हम सेकंड निकालेंगे हार्मोनिक कंजुगेट्स। तो इसके लिए हमें डी वी बराबर होता है हमारा डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। तो दोस्तों इसके लिए हमारा होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है हमारा माइनस के डी डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो दोस्तों ये हमारे इसमें है पेपर में। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई, तो ये हमने लिख लिए हैं दोस्तों। तो आइए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे के लिए हमें इसमें डेल एम अपॉन डेल वाई की ज़रूरत होती है, तो डेल एम कैपिटल होता है हमारा अपॉन डेल वाई बराबर होता है हमारा डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो इसको एग्जिट करेगा तो हमारा है, नहीं तो नहीं। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो अब हम निकालेंगे माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि हमारे डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है माइनस के डी वी अपॉन डेल वाई। तो अब हमारा माइनस का हो जाएगा क्योंकि वो हमारा प्लस का था, तो इसको अब हम माइनस के ही तो लिखेंगे क्योंकि प्लस है, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ये डेल यू माइनस के हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई वो डेल एक्स वाई हम लिख चुके हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई। तो अब हमें डी वी की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस के कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई डी एक्स माइनस के कॉस हाइपरबोलिक वाई साइन एक्स डी वाई। तो ये हमारी डी वी की वैल्यू हो गई। तो आइए आगे सॉल्व कर, तो आगे हम दूसरे पेज में कर लेते हैं सॉल्व दोस्तों। तो ये हमारा एग्जिट इक्वेशन हो गया डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो ये हमें एग्जिट करना है इक्वेशन, तो आइए अब देखते हैं। तो एम हमारा इंटीग्रेशन एम बराबर होता है डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एम डी वाई, तो इतना होगा। तो अब हमारी एम की जो वैल्यू होती है दोस्तों, तो वो हमारी कहाँ है,
इतनी होगी, क्योंकि ये हमारे डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू होती है, तो वो हमारी वैल्यू होती है एम की। तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई, और यह इसके हो गया। अब डेल एन की वैल्यू देखेंगे, तो एन की वैल्यू हमारी होगी माइनस के कॉस हाइपरबोलिक वाई कॉस एक्स, माइनस के कॉस हाइपरबोलिक वाई कॉस एक्स। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे, तो इसमें हो जाएगा माइनस कॉस एक्स कॉस, सॉरी दोस्तों माइनस की साइन एक्स है यहाँ पर, एन की वैल्यू में देखिए कॉस हाइपरबोलिक वाई साइन एक्स है। तो आइए अब हम डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं, तो एम की वैल्यू है माइनस कॉस एक्स कॉस साइन हाइपरबोलिक वाई, तो हो जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस के कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, क्योंकि हमारा वाई के सापेक्ष है तो वाई के साथ फिक्स होगा। तो अब हम निकालेंगे डेल एन अपॉन डेल वाई, तो एन का होगा तो वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन हाइपरबोलिक वाई साइन एक्स। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया टोटली सॉल्यूशन। तो जो हमारा एन का, सॉरी एन का तो हम एक्स के सापेक्ष करेंगे ना, इसका हमने वाई के सापेक्ष किया, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस हाइपरबोलिक वाई कॉस एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन एग्जिट हो गया। देखो हमारा ये है डेल एन अपॉन डेल एक्स, और ये हमारा तो इक्वल आया है दोनों। तो क्या बोला था हमने, जो इक्वल आ जाए ये दोनों, तो अब हमारा इक्वेशन एग्जिट होगा। तो ये हमारा इक्वेशन एग्जिट हो गया इज एग्जिट। तो अब हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई डीएक्स, तो इसका करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो अब हम इंटीग्रेशन एन डीवाई का निकालेंगे, तो हो जाएगा माइनस के कॉस हाइपरबोलिक वाई साइन एक्स डीवाई, तो इसका करेंगे तो दोस्तों इसका आएगा माइनस के साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो दोस्तों देखिए हमारा दोनों एक जैसा आया है, तो इसको हम एक बार में लिख देंगे वी की वैल्यू में, तो माइनस की है दोनों संख्या, तो माइनस की हो जाएगा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, इंटीग्रेशन है तो प्लस सी आएगा। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है, देखते हैं। देखिए माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस जी, तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा हो गया हार्मोनिक कंजुगेट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।